बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। टेक्निकली अब ठीक है सर सारा? हाँ जी, अभी सुबह फिर थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो दोबारा कनेक्ट किया है। चलो सही है सर, सही है। ऑल द हाँ सर, बेस्ट। सब बढ़िया। फ्रेंड्स, मेक होप यू ऑल हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस अच्छी दैट आई हैव गिवन दैट पर्टिकुलर नोट फॉर बीइंग द बेस्ट जुगलबंदी सेशन एंड ओके, फॉलो इट स्टेप वी आर बाय स्टेप। ट्राइंग। ऑल द बेस्ट सर। जय थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, माता दी, हैप्पी बैसाखी। सेम टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छी आ रही है स्क्रीन आज, मच बेटर। आज मैं थोड़ा करीब हूँ स्क्रीन के। हाँ जी, सर यूट्यूब पे काफी लंबा गैप आ रहा है। और YouTube पे आई वॉज नॉट एबल टू चैट, आई ट्राइड। अच्छा, आई थिंक 30 to 40 seconds का गैप आ रहा था। सर यूट्यूब और इसके बीच में ना करीबन 20 से 25 सेकंड का लैग होता है, ओके और इसके अलावा अगर आपको चैट करना है, लाइव चैट, तो यूट्यूब पे आपको लॉगिन करना होगा पहले। मेरा चैट बॉक्स एबल है सर, मैं कर पाऊंगा। हाँ, अगर आप लॉगिन हाँ, आपने किया हुआ है यूट्यूब पे। पहले हाँ, से ही लॉग इन है, एंड्रॉइड पे एवरीबॉडी किया। कीप क्वाइट ऑन द लैब प्लीज, काइंडली फोकस, ऑल ऑफ यू काइंडली फोकस ओनली ऑन यूट्यूब एक्सेप्ट फॉर द मेन पैनलिस्ट एंड को पैनलिस्ट। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। विल नॉट चैट अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर योर जॉब दैट हैव बीन गिवन। गॉट इट सर। Everyone except for the main panelist who is speaking will keep their video and audio shut. Yes, sir.
You can start the session. 10:30 it will be live. Okay, sir. So, good morning to all. Hope you all are fine. Now we are going to start our session of accountancy. In the last class, we studied about the not-for-profit organizations. Myself, Arun Kumar Sethi, lecturer of commerce from Core Academy Unit. And this session is also facilitated by Puneet Bhola sir and Jyotsna Davar ma'am. So, आपको मैंने last class में भी थोड़ा सा not-for-profit organization के बारे में बताया था. थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि थोड़े से बच्चे हो सकता है कि कुछ नए आए हों जिनको लास्ट टॉपिक के बारे में अभी क्लियर ना हो, कि कई बच्चों ने हो सकता है लास्ट क्लास अटेंड ना की हो. तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था. तो उससे पहले, जैसे आप जानते हैं कि थोड़ा सा किसी थीम से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भी, तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, मोटिवेशनल कोट है वो भी, तो देखते हैं
अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप लोगों में से भी कईयों ने सुना होगा, बट मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी ऐसा है कि हमें अभ्यास होने के लिए, तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ये अगर आप सामने पढ़ेंगे अपनी, तो चलता रहूंगा पथ पर, पथ पर मतलब रास्ते पर, अगर मैं चलता रहूंगा पर्ड बन जाऊंगा तो उससे क्या होगा, या तो मुझे मॉर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की मंजिल क्या है, बहुत से बच्चों ने अभी से सोचा होगा सर मैं तो SRCC में एडमिशन लूंगा, सर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स सर दिल्ली का टॉप कॉलेज है उसमें लूंगा सर एडमिशन। किसी ने सोचा होगा मैं CA बनूंगा सर, किसी ने सोचा होगा सर मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बनूंगा, किसी ने सोचा होगा सर मैं कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, किसी ने सोचा होगा मैं IAS बनूंगा। तो बेटा, मंजिल पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलता रहना पड़ेगा पथ पर, यानी कि प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा उस फील्ड में, तो आप अपने आप माहिर बन जाओगे। और माहिर नहीं, मान लो माहिर बन गए आप, मंजिल मिल जाएगी आपको, और अगर मंजिल बाई चांस नहीं भी मिलती तो आप अच्छे मुसाफिर तो बन ही जाओगे। तो मुसाफिर बनना भी एक बहुत बड़ी बात है, यानी उस फील्ड के भी आप एक्सपर्ट बन जाओगे बिल्कुल। तो ये कोट हमेशा लाइफ में ध्यान रखना कि आपको अपने पथ पर चलते रहना है, यानी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहनी है, तो आपके पास मंजिल जरूर आ जाएगी। मंजिल नहीं मिली गलती से तो मुसाफिर तो आप बहुत अच्छे बन ही जाओगे। तो ये कोट आपको ध्यान रखना है जिंदगी भर। तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले जब मैंने लास्ट क्लास ली थी तो मैंने चैट बॉक्स में देखा था कि कुछ बच्चों के डाउट्स थे बहुत सारे, जो मैंने मेन देखे, तो मैं थोड़ा सा उनका जवाब देना चाह रहा हूं। लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं, कि लास्ट क्लास में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे आपको, जैसे कि हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए एटसेट्रा। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा, बट मैं जस्ट इंट्रो में बता रहा हूं आपको कि लास्ट क्लास में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का। तो उसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चों के डाउट निकल के आए जो मैंने चैट बॉक्स में देखे। मैं पहले की क्वायरी थोड़ी सी सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आऊंगा अपने। बॉक्स में मैंने क्वेश्चन देखा, बच्चे ने ये सर ये बताओ सर, ये जो आपने लिखा था पब्लिक इन द लॉ, तो इंडिया में लॉ एज
को हम इंडिया में एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, तो इसीलिए उनको तो क्लियर है पहला क्वेश्चन सबको कि प्राइवेट स्कूल्स एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्टी काम करते हैं इसमें. नेक्स्ट एक डाउट मैंने और देखा था वो भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. सर हाँ जी सर, इस वाले स्लाइड पे आपने जो भी कुछ बोला है वो क्लियर नहीं है, सो उसको रिपीट कर दीजिए आप. ओके ऑडियो क्लियर. ओके ओके तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, अगर आवाज क्लियर नहीं थी मेरी किसी को तो मैं एक बार, ये थोड़े से क्वायरीज थी लास्ट सेशन की मेरी, उनको डिस्कस करना चाह रहा था. बच्चे ने ये पूछा था सर प्राइवेट स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. जनरली एसेंशियली एज चैरिटीज के तौर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो भी एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही वर्क करते हैं ऑन पेपर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही होते हैं. तो पहली तो बेटा पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा. अब आवाज आ रही है मेरी, वॉइस इज क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर? यस सर, वॉइस इज क्लियर सर, क्लियर. कैरी ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने चैट बॉक्स में देखा था, तो एक बच्चे ने पूछा सर आप कंपनीज एक्ट लिख रहे हैं, कंपनीज एक्ट, तो ये कंपनीज एक्ट है क्या एक्चुअली में, क्योंकि 11th में एक्चुअली में आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाता कंपनीज एक्ट के बारे में, लेकिन अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हायर लेवल पे 12th में और इसके बाद. तो बेटा ये आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर. अरुण? यस सर. अरुण कैन यू हियर मी? यस सर. काइंडली गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड रिपीट इट. ओके सर. तो
पहली क्लास चली तो आंसर आपके सामने है स्क्रीन पर। अरुण काइंडली डेसिस्ट फ्रॉम टेकिंग द क्लास, काइंडली गिव द क्लास टू आइदर बोला और ज्योत्सना। आई वांट ज्योत्सना टू पिक इट अप। So we are repeating the question. Okay. The question is, Joshna ma'am. Yes, sir. I'm speaking, sir. I hope I'm audible. Okay. Yes, yes. Okay. So the question was, private schools are not for profit organization or profit making organization. So the answer that we have given here is, in India, where nearly 260 million children go to school, the highest globally private schools cannot be for profit business under the law. My universe is clear. They must be run by not for profit trusts and societies, essentially as charities. I hope this clarifies the doubt. Next slide, please, Arun sir. So everyone, apart from Jyotsna, kindly keep your voice, mic, and video closed. So we conclude, private schools are also not for profit organizations. Another question which had appeared in the chat box was, what is Companies Act 2013? Children, since this is a new concept, you have never studied it in class 11. So now we will clarify it here. Aapka prashna tha, Companies Act 2013 kya hai? Wo hum aapko abhi spasht karte hain. क्योंकि आपने ये कंसेप्ट 11वीं कक्षा में नहीं पढ़ा। कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडियन कंपनी लॉ विच रेगुलेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, responsibilities of a company, directors, dissolution of a company. इसको अगर संक्षिप्त में समझाएं तो पार्लियामेंट द्वारा ये एक्ट लागू हुआ है इंडियन कंपनीज लॉ पे, जो कि कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताता है, जिसके तहत कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और किसी भी कंपनी का डिसोल्यूशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में इसमें स्पष्ट किया जाता है।
बच्चों एक और क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो था व्हाट इज शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। Now continue, keep continuing, don't worry. Yes, difference between parts, articles, and schedules of a constitution. तो अब हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे बच्चों कि पार्ट्स क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं और शेड्यूल्स क्या हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के। सो पार्ट्स होते हैं यूनिट्स की तरह, जैसे एलजेब्रा, ज्योमेट्री इत्यादि यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, या जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो काइनेमेटिक्स, ऑप्टिक्स एक्सेट्रा यूनिट्स फिजिक्स विषय में पढ़ते हैं। Remove your video. Articles chapters की तरह होते हैं, जैसे functions, real numbers, inequalities, exponents, polynomials, etc. ये सब chapters हैं algebra के अंतर्गत। So parts में आया algebra और algebra के अंदर जो लिखा जाता है वो चैप्टर्स होते हैं, और हमारे कॉमर्स की भाषा में उनको आर्टिकल्स कहते हैं। सो आर्टिकल्स कम अंडर पार्ट्स। कुछ अपेंडिस जिनको शेड्यूल्स कहते हैं। सो शेड्यूल्स आर लिस्ट्स in the constitution that categorize and tabulate bureaucratic activities and policy of the government. In other words, schedules give extra information about the points referred to in various articles of the constitution. The 12 schedules present in the Indian constitution will make our understanding and interpretations of the constitution better. आज जो हमने बातें करी हैं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है ताकि आप कॉमर्स के अकाउंटेंसी के थोड़े और करीब आ जाएं, एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक ऑफ दीज टर्म्स। ये टर्म्स अक्सर हमारे सामने आती हैं जब हम ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। ये हमारी पहली पुस्तक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। ये पार्ट ए ऑफ अकाउंटेंसी है। क्वेश्चन पेपर में भी दो पार्ट्स में आएगा क्वेश्चन पेपर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो ये पार्ट ए के टॉपिक्स हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसका पहला यूनिट है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो बच्चे आज ही जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए हम थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करेंगे इस पार्ट को।
जो समय मैं ट्राई करता हूं, अगर वॉइस क्लियर है तो, नहीं तो फिर आप देखता हूं. श्योर सर, श्योर. क्या टेक टेक ओवर सर. सो ओवर टू मिस्टर अरुण. तो बताई थी मैंने 10 मार्क्स का चैप्टर है ये पूरा का पूरा, और इस चैप्टर के अंदर मेनली ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. जैसे पहला आपको बताया था नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स एंड प्रिपरेशन पढ़ेंगे इसमें, से डिस्कस कर चुका हूं. तो आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. माय वॉइस इज क्लियर नाउ? यस सर. ओके, थैंक यू. नाउ काइंडली स्पीक. ओके. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फॉर्मड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट, साइंस, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, चैरिटी, स्पोर्ट्स एटसेट्रा. तो ये मैंने आपको, आप मत आइएगा, दूसरे को लेने दीजिएगा. वॉइस. हेलो श्रीनि सर. अरुण सर. हाँ जी. सर आप अपनी स्क्रीन सर वो कर दो, स्टॉप कर दो, मैं शेयर करता हूँ सर. ठीक है. ओके. So getting my voice. Srini sir, voice aa rahi hai meri? Yes sir, yes sir. Aa rahi hai sir, clear hai. Okay sir. Hello students, due to some technical problem Arun sir is facing some problems. So I am continuing from here. Jaisa ki sir ne aapko abhi slide ko share ki thi, और मैं भी कुछ क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए आपके साथ, रिकैपिटुलेट किया. मैं टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ. जैसा कि अरुण सर लास्ट स्लाइड में दिखा रहे थे कि हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, तो पहले तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, फिर आप समझ पाएंगे कि ये टॉपिक आपके 11th के टॉपिक से किस तरीके से अलग है. जो हमने 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ते हैं, उस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ही कवर अप किया था. अब इस टॉपिक के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आता होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे हैं, कौन से लॉ के अंडर में आती हैं, इनके सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे की रिक्वायरमेंट रहती ही है, तो इनके लिए कौन से सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास रहते होंगे, तो हम उसके बारे में ही अभी इसके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो हम सीधा आते हैं अपने पार्ट वन पर. जैसे मैडम ने आपको बताया था कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे,
अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। आप सबको अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द पॉइंट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट जिसको हम एनपीओ कहते हैं, रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट, साइंस, रिलीजियन, कल्चर, एजुकेशन, चैरिटी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। क्या मतलब है इस बात का कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका पर्पस किसी आर्ट को, कला को, साइंस विज्ञान को, किसी धर्म को, किसी रिलीजन कल्चर को, एजुकेशन को, चैरिटी को प्रमोट करना होता है। जब हम इन सब विषयों पे बात करते हैं तो यहाँ पर हम मुनाफा यानी कि प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करते। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनपीओ इज टू रेंडर टू सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड और टू द सोसाइटी इन जनरल। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है स्थापना करने का, वो अपने सदस्य, जैसे हमने अभी 12th क्लास में पार्टनरशिप भी पढ़ना है और उसके अंदर पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे, हमने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, इसके अंदर ओनर प्रोप्राइटर की बात करी थी। तो इस एनपीओ के अंदर हम पार्टनर्स ना कहकर, ओनर्स ना कहकर उन्हें मेंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मेन प्राइमरी पर्पस है अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। एनपीओ इंक्लूड पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रेड यूनियंस, रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज लाइक ICAI, ICSI, एक्सेट्रा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एनपीओ के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, हमने उसके एग्जांपल लिए हैं। ये पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बेसिकली हम लोग जैसे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का स्टाफ होता है, एक प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और उसके मिडल में एक और होते हैं एडिड स्कूल, जो पूरी तरीके से ना तो प्राइवेट होते हैं ना पूरी तरीके से पब्लिक होते हैं। वो रन किए जाते हैं किसी सोसाइटी के थ्रू, जैसे अगर हम बात करें सनातन धर्म सोसाइटी है, वो बहुत सारे स्कूल रन करती है। ऐसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, आपने रिलायंस फाउंडेशन का नाम सुना होगा, आपने टाटा फाउंडेशन का नाम सुना होगा, उसके अंडर में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो रन करते हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी न किसी पर्पस, किसी न किसी उद्देश्य, जिनका मेन मोटिव सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो इसके अंडर में इंक्लूड किए जाते हैं। अब आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि गुण। अगर हम एक व्यक्ति है जिसका डिस्क्रिप्शन पूछें कि भाई इस व्यक्ति के क्या गुण हैं, तो उसी तरीके से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गुण होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी आप जानते होंगे क्या होगा, बिजनेस और बिजनेस के ओनर्स दोनों को हम अलग अलग मानते हैं। हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना होकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। इसीलिए कोई भी सोसाइटी जो कि एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने मेंबर्स से अलग होती है। मेंबर्स आते जाते हैं लेकिन सोसाइटी वहीं रहती है। सोसाइटी की अपनी अलग एक पहचान होती है, एक एंटिटी होती है। इट्स सोल एम इज टू प्रोवाइड सर्विस ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉमिनल कॉस्ट और नॉट टू अर्न प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये इस उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है कि ये पब्लिक को सर्विसेज, यानी कि अपने मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या तो मुफ्त यानी कि किसी भी कीमत पर नहीं, या फिर बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट यानी कि बहुत मामूली से चार्जेस के ऊपर, और इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। These are organized as charitable trusts, societies, and subscribers to such organization are called members. जैसा कि मैंने आपको बताया था, partnership के अंदर जितने भी व्यक्ति business कर रहे होते हैं वो सब partners कहलाते हैं। तो not for profit making organization के अंदर जो भी लोग जुड़ते हैं वो सब इसके members कहलाते हैं। Their affairs are usually managed by a managing executive committee elected by its members.
अब कोई भी संस्था है, उस संस्था को चलाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को तो लीड करना ही होता है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कोई लीड नहीं करता। इसको लीड करती है इसकी मैनेजिंग कमेटी या इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उसका चुनाव कौन करता है, उसका चुनाव करते हैं इसके सदस्य। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स, डोनेशंस, लीगेसी, ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। अब बात आती है, जैसे हमने कहा कि भाई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है तो पार्टनर्स अपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में 2 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच के 3 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनको इस तरीके से इनकम का सोर्स बना रहता है। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा इनकम का सोर्स है, तो पहला पॉइंट था इसके अंदर सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स। जैसे मान लीजिए मैं किसी क्लब का मेंबर बनता हूँ तो क्लब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट यूजुअली ज्वाइन नहीं कराएगा, उसके लिए वो मुझसे कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज करेगा। आप लोग जिम ज्वाइन करते हो, आप कोई क्लब ज्वाइन करते हो, तो आप चाहे कम या ज्यादा कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन के तौर पर एज ए मेंबर उन्हें पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन का मतलब होता है दान। क्या मतलब हुआ इस बात का कि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टली नहीं जुड़ते, बट वो डोनेशंस के माध्यम से जुड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी संस्था को कुछ ना कुछ दान देते रहेंगे ताकि संस्था के कुछ खर्चे जो हैं वो निकलते रहें। फिर आता है लीगेसी, बहुत टेक्निकल वर्ड है लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है कि आपने अपनी एक विल कर दी या एक अपने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का ये अंश इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को चला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बिल्डिंग है और मैंने एक वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद इस बिल्डिंग को, इस अनाथ आश्रम को कन्वर्ट, अनाथ आश्रम को दान कर दिया जाए ताकि वहां पर बच्चों के लिए कुछ रूम्स वगैरह जो है वो बनाए जा सके। दैट इज कॉल्ड लीगेसी। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ हेल्प करती रहती है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ एड्स प्रोवाइड करती है ताकि ये इंस्टीट्यूशन स्मूथली रन कर सकें। बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के बर्डन को ही कम कर रही है। जो बॉडीज गवर्नमेंट के अंडर में आ रही हैं उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसे एनजीओस को कि वो एक पैरेलली गवर्नमेंट पैरेलली अपने लोगों की हेल्प के लिए सामने आती है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कभी कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा सरप्लस आता है तो उस सरप्लस को वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको कहीं ना कहीं से कुछ इंटरेस्ट वगैरह, कुछ अदर इनकम्स प्रोवाइड हो जाती है। तो ये थे मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब बात आती है द अकाउंटिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल फॉलोड द अदर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के माइंड में या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ये और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह बाकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं? यस, डेफिनेटली फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए भी वही अकाउंटिंग रूल फॉलो किए जाते हैं जो किसी भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए जाते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। आगे चलते हैं इसके। द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। इससे जितना भी फंड, जितना भी पैसा यहां से रेज होता है, उन सभी फंड्स के जो सोर्सेज हैं उनको हम दो हेड्स में डिवाइड कर देते हैं, एक कैपिटल फंड है और एक जनरल फंड है। देखिए अभी आपको इस पॉइंट के ऊपर कैपिटल फंड और जनरल फंड को बाइफिकेट करना या उसमें डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा लगेगा कि अलग है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि कैपिटल फंड एंड जनरल फंड में क्या डिफरेंस होता है। सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई पैसा डोनेट कर रहा हूँ, वो डोनेशन कैपिटल फंड भी हो सकती है, वो जनरल फंड भी हो सकती है। अगर तो उस डोनेशन के साथ साथ मैंने किसी भी टाइप का कोई भी एक क्लॉज जोड़ दिया कि इस डोनेशन का स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तो वो बन जाती है मेरी कैपिटल फंड। और अगर मैंने ऐसा कोई क्लॉज नहीं लगाया
बस जस्ट डोनेशन दी और छोड़ दिया, बाकी वो उनकी डिस्क्रिप्शन पर है कि वो उसको कैसे यूज करें, तो वो कहलाता है हमारा जर्नल पर. द नेक्स्ट इज द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट द मेंबर्स, इट इज सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड. क्या मतलब हुआ? देखो पहले तो सरप्लस क्लियर करते हैं कि सरप्लस होता क्या है. आपने 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे. ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आता था यूजुअली, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, और जब हम उसकी बैलेंसिंग करते थे तो उसकी बैलेंसिंग से हमारा निकल कर आता था नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट जो होता था इसको हम कैपिटल में ऐड करते थे. वही नेट प्रॉफिट आज इस एनपीओ टॉपिक के अंदर सरप्लस का काम करता है. तो देखिए सरप्लस के आगे लिखा हुआ है जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम, यानी कि इनकम हमारी एक्सेस है. किससे एक्सेस है? एक्सपेंडिचर से. और जो प्रॉफिट हम वहां अर्न करते थे वो प्रॉफिट हम किसी भी वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में या ओनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरप्लस किसी भी मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता. कैपिटल फंड में जो कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से निकाला जाता है उसमें ऐड कर दिया जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी rather than on the consumer or owner satisfaction. इनकी जो reputation होती है वो बनती है कि ये society के लिए क्या contribution कर रहे हैं, ये society के welfare के लिए क्या काम कर रहे हैं. यहाँ पर इनके owners के satisfaction से ज़्यादा society के प्रति इनके contribution, इनके welfare और इनके society के प्रति जुड़ाव इस चीज़ के ऊपर depend करता है. The next point is the accounting information provided by such organization is meant for the present and the potential contributors and to meet the statutory requirements. Statutory requirements का मतलब होता है कुछ legal requirements, कि हमें कुछ legal requirements को follow कर इनके contributors या इनके जो potential contribution present जिसके साथ जुड़ते हैं वो हमें सिंपली इन टर्म्स कि हमें इनके टेक्निकली जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज डू नॉट नॉर्मली एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज. देखिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या होता है कि आप एक जगह से सामान खरीद के लाए और आपने उसको दूसरी जगह पर बेच दिया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. तो ये लोग इस तरीके का काम नहीं करते. हमने सबसे पहले पढ़ा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी, नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट टू द सोसाइटी. यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, जैसे कोई महिला विधवा आश्रम है, कोई अनाथ आश्रम है, जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज ऐसी की जाती हैं, जैसे कैंडल मेकिंग का काम हो रहा है, दिया मेकिंग का काम हो रहा है, लेदर बैग्स बनाए जा रहे हैं, जूट बैग्स बनाए जा रहे हैं. तो ये लोग बहुत कम मार्जिन पे अपने इस सामान को बेचते हैं और अपनी सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एज वेल एज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी हम उसको ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं मानते. क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट यूजुअली मेड. ये लोग क्रेडिट पे काम नहीं करते, ये बिजनेसमैन नहीं है जिनको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है या बिजनेस को आगे चलाना है, ये बिजनेस की एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचते, इसलिए इनका क्रेडिट पे कोई ट्रांजेक्शन यूजुअली नहीं किया जाता. अब आते हैं बात कुछ क्वेश्चंस की. एक क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लास में भी सर ने डिस्कस किया था. कुछ बच्चों को लगेगा ये रिपीटेशन है, तो मैं आपको ये बताऊं बेटा कि क्या होता है कि लास्ट क्लास से कुछ बच्चे अब एक्स्ट्रा न्यू जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये रिकैपिटुलेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको भी बेसिक आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ थ्योरी पर काम कर रहे हैं, फिर आने वाले टाइम में हम मेजर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, especially for those students who are joined today. पहला क्वेश्चन आता है राइट एंड रॉन्ग में हमें इसका आंसर देना है. दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फाउंडेड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स. क्या ये ऑर्गेनाइजेशन
इसलिए स्थापित की गई हैं कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, तो बच्चों के माइंड में, कुछ के माइंड में आ रहा होगा यस, किस के माइंड में आ रहा होगा नो, उसका सिंपल सा जवाब है, हमने पढ़ा ही यही था, इसके नाम में ही क्लियर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये प्रॉफिट अर्न नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकाउंटिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन. क्या इनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग है उसके लिए हम वही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जो हम दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस. कुछ बच्चे यस भी बोलते हैं, कुछ बच्चे नो भी बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा राइट. इसको भी वही सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो प्रिंसिपल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है. नेक्स्ट इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली डील्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स ऑफ सर्विसेज. देखिए, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ट्रेडिंग कहते हैं. अब ट्रेडिंग तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रेडिंग ये लोग करते नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली डील्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसका आंसर रॉन्ग, नहीं, ये नहीं करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी ट्रेडिंग या उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग नहीं करते. नेक्स्ट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी. क्या ये एक लीगल एंटिटी है? बिल्कुल, इसकी स्थापना जो है वो एक नियम के अंतर्गत की जाती है, इसको रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होता है और बेनिफिशियल भी रहता है, इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज. अभी बात जिसे कहते हैं कि कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात एक ही होती है. उसी तरीके से ये एक ट्रेडिंग एंटिटी नहीं है, तो ये किस टाइप की एंटिटी है? इट इज अ नॉन ट्रेडिंग एंटिटी. तो इसका आंसर होगा राइट, यस. मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन एनपीओज आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अभी हमने पढ़ा कि नहीं, ज्यादातर ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर नहीं होती, यूजुअली होती ही नहीं है. ये लोग कैश बेसिस पे काम करते हैं, कैश के रिसिप्ट पे ध्यान देते हैं, इसलिए इनकी ट्रांजेक्शन यूजुअली क्रेडिट पे नहीं होती. तो इसका आंसर होगा ड्रॉ. नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक्स आर एनपीओ. क्या कमर्शियल बैंक एनपीओ होते हैं? देखिए, कमर्शियल बैंक में नाम में ही जुड़ा है कमर्शियल, यानी कि व्यापारिक. तो ये बैंक्स व्यापारिक बैंक होते हैं जो कम ब्याज दर पर आरबीआई से पैसा लेकर ज्यादा ब्याज दर पर अपने जो बोरोवर्स होते हैं उनको देते हैं और उसके बीच के मार्जिन को अपने प्रॉफिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. तो कमर्शियल बैंक्स आर नॉट एनपीओज, ये एनपीओ नहीं है. अब आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कि हम कैसे बाइफिकेट करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने इसमें लिए हैं, बड़े सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा. नंबर वन, मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ. नंबर वन इज द अल्टीमेट गोल इज टू सर्व द कम्युनिटी इंटरेस्ट. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पहला गोल होता है कि ये कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी के पक्ष के लिए काम करते हैं, इंटरेस्ट में काम करते हैं. और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर द ऑर्गेनाइजेशंस, या उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाना. दे जनरली डू नॉट परचेज और सेल गुड्स. ये यूजुअली सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स नहीं करते, अभी हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. ये यूजुअली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. दे जनरली, अब प्रॉफिट मेकिंग में लिखा है, दे जनरली डू ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. ये ट्रेडिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग मतलब सेल एंड परचेज का काम भी करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन करना, ये दोनों काम करते हैं, यानी कि उत्पादन करके ही अपने उत्पादित माल को बेचते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर फाइनल अकाउंट include receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. इसके जो accounts हम बनाते हैं, जिनके basis के ऊपर हम इनकी transactions को record करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपका receipt and payment account, जिसमें हर प्रकार की cash receipt और हर प्रकार की cash payment को record किया जाता है, either on the debit side or on the credit side. फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है,
जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, हम इसके अंदर बैलेंस शीट भी बनाते हैं और जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटस जो है पता कर पाते हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में देयर फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, 11 का कॉन्सेप्ट है आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है जिसके बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जिसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं स्टेटस का पता कर लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेट रिजल्ट इज नोन एज द सरप्लस डेफिसिट। अब जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसका आउटकम उसकी बैलेंसिंग फिगर को हम कहाँ डालते हैं, उसकी बैलेंसिंग फिगर को हम सरप्लस या डेफिशिट के नाम से जानते हैं। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। डेफिशिट, डेफिशिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर हमारी इनकम से ज्यादा है। जो टर्म हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट या नेट लॉस के तौर पे यूज करते हैं वही चीज यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ना कहकर सरप्लस या डेफिशिट कहलाती है। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है द नेट रिजल्ट इज नोन एज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको कि नेट प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। अब आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि मैडम ने आपके साथ डिस्कस किया था कि शेड्यूल थ्री, एक क्वेश्चन था कि शेड्यूल थ्री क्या है, कंपनी एक्ट क्या है, सर ने डिस्कस किया था, तो उसी चीज के अंदर इसकी टेक्निकली मीनिंग इसमें लिखा हुआ है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आजकल जो हम कंपनी एक्ट पढ़ते हैं और 2013 पढ़ते हैं उसके सेक्शन 8 के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रजिस्टर किया जाता है। सेक्शन 8 जो है वो उसके एक क्लॉज है, लॉ है, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के द्वारा, लेकिन इसकी जो एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो एज पर शेड्यूल 3 बनाई जाती है, यानी कि शेड्यूल 3 के नियमों के अनुसार, कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 के नियमों के अनुसार हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। देखिए हमें शेड्यूल 3 फॉलो करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाते हैं और यूनिफॉर्मिटी तभी आती है जब हम किसी एक प्रॉपर शेड्यूल को या किसी एक प्रॉपर नियम को जो है फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम दिल्ली में बैठे हुए किसी भी एनजीओ या किसी भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट देखते हैं तो सिमिलरली वही सब चीज़ें वही सब उसी तरीके से प्रिपरेशन इंडिया के किसी दूसरे कॉर्नर में, हम कह सकते हैं नॉर्थ के अंदर, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किसी भी स्टेट में कहीं पर भी बनाया जाएगा वो सब इसी नियम के अंतर्गत बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल पार्ट में देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या बनाने वाले हैं। माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, ओके। अब आते हैं, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली होती क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके फाइनेंशियल स्टेटस को डिपिक्ट करता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को दर्शाता है। तो क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं, इनको वो भी उतना ही जरूरी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना जितना कि किसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है।
क्यों? क्योंकि इन्हें भी शेड्यूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इन्हें भी नियमों का पालन करना पड़ता है। तो कौन कौन सी चीजें हम इसमें बनाएंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट हम इसमें बनाएंगे? नंबर वन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज लाइक अ कैश बुक। हम पढ़ चुके थे इसको पहले भी, आपने कैश बुक 11 में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर हम उसका रिकैपिटुलेशन करें तो कैश बुक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डेबिट साइड के अंदर हमने सारे के सारे रिसिप्ट को रिकॉर्ड किया, उसका नेचर कुछ भी रहे, उसका ईयर कोई सा भी हो, अकाउंटिंग ईयर, हमने सारे के सारे रिसिप्ट को कैश बुक की डेबिट में रिकॉर्ड किया था और हमने कैश बुक की क्रेडिट में सारी की सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया था, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन को जिस तरीके से कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर अपनी सारी कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और अभी हम आने वाली स्लाइड्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अपने सभी प्रकार की इनकम, अपने सभी प्रकार के एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ये जानने के लिए कि हमें कितना सरप्लस मिला, हमारा कितना डेफिशिट घाटा रहा, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जिस तरीके से हम नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स के लिए अपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड के अंदर सारे अपने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, विच आर इन रेवेन्यू इन नेचर। और जैसे हम वहाँ पर अपनी सारी इनकम्स को, अपने सारे प्रॉफिट्स को क्रेडिट करते हैं, उसी तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड के अंदर इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। और फिर हम बनाते हैं एक बैलेंस शीट ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम पहले बनाते थे। वो एक उसकी डेबिट साइड, एक उसकी लाइबिलिटी साइड होती है, एक उसकी असेट साइड होती है। हम उसके अकॉर्डिंगली ही इसको प्रिपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ सीखा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं एनपीओ के अंदर में। नंबर वन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यूजुअली ये हमें बनाना नहीं होता, ये हमें क्वेश्चन का ही पार्ट गिवन होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें क्या बनाना होता है, उसके बेसिस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन यूजुअली हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होता है। अब ऐसा नहीं है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाने के लिए कह नहीं सकता, कोर्स का पार्ट है वो। दो नंबर में, तीन नंबर में किसी भी टाइप से कोई भी ट्रांजेक्शन देकर आपसे पूछ सकता है कि किस तरीके से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। आई थिंक ये पहले डिस्कस हो चुके हैं क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। अब आती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंट है, उसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे। तो पहले आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, कि कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस है यहाँ पर कब की हैं, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड से मतलब हुआ कि जो हमारा करंट सेशन में जितने भी प्रकार से कैश आया या गया, कैश का मतलब ओनली कैश नहीं होता, बैंक ट्रांजैक्शंस को भी हम कैश के अंदर ही लेते हैं। हमने 11th में डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखा था, तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। द नेक्स्ट इज इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड्स विद देयर क्लोजिंग बैलेंसेस। क्योंकि ये कैश बुक की तरह ही होता है, इसलिए इसकी शुरुआत ओपनिंग बैलेंसेस से होती है और इसका अंत यानी कि इसके एंड में क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं इसके क्लोजिंग बैलेंस। जैसे कि हम लिखें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस, विच विल बी शोन
ऑन द लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं राइट साइड बॉटम में, जिनको हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. नेक्स्ट इज इट फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. देखिए आपने 11th में दो चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें दो पॉइंट थे, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. डिफरेंस वहां आपको पता ही था, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है जिसमें एक ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ कैश पेड और रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड. जहां पर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग तब की जाती है जब वो ट्रांजेक्शन कैश के अंदर की जा रही हो. अगर मैंने सपोज आज की डेट में कोई क्रेडिट सेल कर दी तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग सेल्स में तो जरूर करूंगा बट कैश में नहीं करूंगा. कैश के अंदर मैं उसकी रिकॉर्डिंग कब करूंगा, जब वहां से कैश सेटलमेंट होगा, यानी कि मेरा डेटर या मेरा बिल रिसीवर मुझे पे करेगा. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनाया जाता. एक्रूअल बेसिस क्या था, जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, नॉट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ कैश. जब कैश का सेटलमेंट होता है तब एक अलग मैटर बनता है. एक्रूअल बेसिस के अंदर हम एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं. अगर मैंने आज सेल करी है तो वो चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो तो मैं उसको आज ही रिकॉर्ड करूंगा. तो इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश. इट इज एन असेट अकाउंट और रियल अकाउंट. ये एक असेट का अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है. कैश अकाउंट जो होता है वो हमारा रियल नेचर में आता है, उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हमारा रियल नेचर अकाउंट है. ऑल रिसिप्ट आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड. सारी की सारी रिसिप्ट जो होती हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं, सारी की सारी पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है. मैंने कैश बुक के लिए भी यही कॉन्सेप्ट आपको बताया था. इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, दैट इज रेवेन्यू और कैपिटल. जैसे मैंने डिफरेंस आपको बताया था कि मैंने किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दी है, अगर वो डोनेशन देते समय मैंने कह दिया कि भाई ये डोनेशन आप स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए यूज करोगे तो वो डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा. और अगर मैंने डोनेशन देते समय कोई क्लॉज नहीं लगाया, कोई कंडीशन नहीं लगाई तो वो मेरा बन जाएगा रेवेन्यू नेचर. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों प्रकार की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है. इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स irrespective of period, whether they relate to previous current or the following accounting year. कि ये record करता है सभी प्रकार की payments को जिसका संबंध चाहे current year से हो, चाहे किसी बीते हुए previous year से हो, या आने वाले next year से हो, ये सभी type की transaction को record करता है. तो मोटे मोटा दो बातों पर हमें यहाँ पर focus करना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है. ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल नेचर की हो, ये रिकॉर्ड करता है. ऑल द पेमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, चाहे वो प्रीवियस पीरियड हो, चाहे वो करंट हो, या वो किसी आने वाले ईयर की हम बात कर रहे हो, ये सभी प्रकार के रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट, हर प्रकार के वर्ष से संबंधित ट्रांजेक्शन जो कैश में हुई है उनको रिकॉर्ड करता है. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारा शुरू हो जाता है. ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं उसको इसके अंदर दर्शाया गया है. एक फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है. सबसे पहले लेते हैं इसकी रिसिप्ट साइड. जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रिसिप्ट साइड के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ, किसके ओपनिंग बैलेंसेस, कैश इन हैंड कैश एट बैंक. कि जो हमारे को कैश इन हैंड है हमारे पास, जो हमारे पास बैंक में पैसा जमा है उसी से इसकी शुरुआत की जाती है.
उसके बाद हम इसमें क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं सब्सक्रिप्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम विच इज पेड बाय इट्स सब्सक्राइब्ड मेंबर्स। कि जो भी मेंबर किसी भी ऐसी संस्था के साथ जुड़ते हैं उन सभी मेंबर्स को कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। जैसा अभी मैंने पिछली स्लाइड में अंडरलाइन करके दिखाया था कि जो पेमेंट्स या जो रिसिप्ट इन कैश हम करते हैं उसका संबंध किसी भी वर्ष से हो सकता है, तो इसके अंदर कौन सी सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड हो रही है, प्रीवियस ईयर की भी है, करंट ईयर की भी है और आने वाले नेक्स्ट ईयर की भी इसमें सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड हुई भी है। फिर बात आती है इसमें जनरल डोनेशंस। डोनेशंस हमने पढ़ा दो टाइप की हैं, कैपिटल डोनेशन भी हो सकते हैं, कैपिटल नेचर की, जनरल भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर डोनेशंस जो कि दान के रूप में हमें रिसीव हुआ है हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था को ज्वाइन करते हो तो उसको ज्वाइन करते समय आपको एक एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। जैसे सपोज हम कहीं पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, किसी फिटनेस जिम के अंदर जाते हैं और उसका सब्सक्रिप्शन जो है 1000 रुपीज़ पर मंथ है, तो वो हमसे सबसे पहले 1000 ना लेके 1500-2000 लेता है। वो कहेगा कि सर ये हमारे एडमिशन फीस चार्जेस हैं, इसके अंदर हम आपको एक वाटर बॉटल प्रोवाइड करेंगे, एक किट प्रोवाइड करेंगे, बैग प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट मंथ से आप 1000 पे करोगे। तो एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस इज दैट काइंड ऑफ फीस। जनरल ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स कुछ पैसा आता है हमारे पास तो उसको हम रिसीव करते हैं तो हम रिसिप्ट में लिखते हैं। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड ग्लासेस, देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर नहीं बेचती। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, जैसे अभी आपने पढ़ा कि इट्स नॉट अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेडिंग नहीं कर रही है, सेल परचेज नहीं कर रही है, तो बच्चों के माइंड में आता है कि ये फिर कौन सा न्यूज़पेपर बेच रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी क्लब है जो कि रिक्रिएशन पर्पस के लिए बनाया गया है तो उसके पास मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, ऐसी बहुत सारी आइटम्स आती रहती हैं और उनको सब्सक्राइब करनी पड़ती है, उनको रखनी पड़ती है अपने मेंबर्स के लिए। तो इन सब को जब वो एक टाइम बाद किसी रद्दी में बेचते हैं तो वो वाले सेल ऑफ न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं हम। ग्रास का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज कोई और हमारी संस्था का कोई गार्डन है, गार्डन में घास है, घास को हम कट करके भी बेचते हैं, कई बार हमारे को उससे भी पैसा आ जाता है। तो ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, कि हमारा जो भी ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल है, अभी स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ से आया, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी संस्था हो, जो ऐसा क्लब हो जो स्पोर्ट्स के अंदर लोगों को इन्वॉल्व कराता हो, कोई टेनिस क्लब है या कोई क्लब है जो कि अपनी मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्पोर्ट्स को ऑपरेट करके रखता है कि जिससे उनका रिक्रिएशन हो, थोड़ा सा उनका जो टेंशन है या कम जो उनकी दिक्कतें हैं वो थोड़ी दूर हो, स्ट्रेस दूर हो। तो कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल अगर पुराना हो जाता है तो हम उसको बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने कहा था अगर हमारे पास फंड्स एक्स्ट्रा हैं तो उन एक्स्ट्रा फंड्स को हम इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट पे यूजुअली हमें क्या मिलता है, हमें उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। फिर आता है आपका इसके अंदर इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स एंड लेक्चर्स, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करती है, कोई लेक्चर ऑर्गेनाइज करती है, उस पर टिकट्स लगा देती है, उससे कुछ इनकम होती है, तो वो भी एक तरीके से इनकी इनकम का पार्ट होता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि फिल्म स्टार ने एक चैरिटी शो किया तो चैरिटी शो से होने वाली इनकम जो है वो इस संस्था को जाएगी। तो इस टाइप के कॉन्सर्ट्स एंड लेक्चर से होने वाली इनकम से। अगेन जो इसमें डिविडेंड आ गया, जैसे कि आप सब जानते हैं किसी कंपनी के शेयर्स अगर हम खरीदते हैं तो वहां से होने वाली इनकम को हम डिविडेंड इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव का मतलब होता है कि आपको कहीं से रेंटल इनकम जो है वो प्राप्त हो रही है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस बिल्डिंग में रन करती है उसका एक फ्लोर हमने किसी ऑफिस वाले को किराए पे दे रखा है, उस वहां से हमें किराया रिसीव होता है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भलाई में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव अगेन इन्वेस्टमेंट्स पे होता है, हमारे को दूसरी इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और भी किसी भी प्रकार का कोई मिसलेनियस रिसिप्ट हमें, मिसलेनियस मतलब वेरियस न्यूमरस काइंड ऑफ रिसिप्ट हमें कोई होती है तो ये भी हमारी रिसिप्ट के अंदर आता है। फिर आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है कि जैसे कुछ मेंबर तो
मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, कुछ मेंबर होते हैं कि भाई आप मुझे मंथली पैसे मेरे से मत लो, एक काम करो आप मुझे लाइफ टाइम मेंबर बना लो और आप अपना एक लमसम अमाउंट बताओ कि कितना रुपया लोगे आप ताकि मैं आजीवन आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहूं। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ पैसा रिसीव हो, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि टूर्नामेंट करा लेते हैं तो टूर्नामेंट के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन हो गई वो रिसीव हो गई तो वो हमारे सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस टूर्नामेंट के लिए आया पैसा। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, कुछ डोनेशन हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है कि हमने एक बिल्डिंग फंड बना रखा है कि हमारे को जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के लिए अनाथ आश्रम जो है उसकी बिल्डिंग छोटी पड़ती है, अब हम इस बिल्डिंग को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं बट एट अ टाइम हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने उसके लिए एक बिल्डिंग फंड के नाम से क्रिएट कर दिया। उससे आने वाली कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन जो बिल्डिंग के नाम पर होगी हम उस फंड में ऐड करते चले जाएंगे। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट से कोई पैसा आ रहा है, किसी अन्य संस्था से कोई पैसा आ रहा है। लीगेसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत जो है वो इस संस्था को दान कर दी जाए ताकि इसका इस रूप में इस्तेमाल हो सके। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अभी सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कहाँ से आया, ये तो असेट्स बेचते नहीं है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स के अंदर जो असेट्स हम खरीदते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि हमने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन है उस लॉन की कटिंग, ग्रास की कटिंग के लिए मोवर मशीन मंगा रखी है, कुछ इक्विपमेंट्स करा रखे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, मशीनरी है, मशीन प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, वो फिक्स्ड असेट्स का पार्ट है। मान लो मशीन खराब हो गई है या पुरानी हो गई है, सही से फंक्शन नहीं कर रही है और मैं नई खरीदना चाहता हूँ तो मैं पुरानी बेचकर कुछ पैसा जुटा लूंगा और उसके बाद उसमें कुछ पैसा नया डालकर मशीन खरीद लूंगा, तो ये वो वाली सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहे हैं। फिर आता है रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, की हमें स्पेशल फंड के रिगार्डिंग कुछ रिसिप्ट जो है वो प्राप्त हो रही है। कुछ मैच फंड है, प्राइस फंड है, ये सब इसमें दे रखे हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपने सबने पढ़ा है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11th क्लास में सब बच्चों ने पढ़ी होगी। ओवरड्राफ्ट बैलेंस सब जानते ही हैं, अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो हम उसको ओवरड्राफ्ट का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड में सबसे पहले आता है आपका बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी अगर ओवरड्राफ्ट है तो अगर कोई भी कैश या बैंक का बैलेंस नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड ना करके उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में और उसको नाम देते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आता है सैलरीज। देखिए कोई भी संस्था हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है और मैन पावर जो है भले ही कंसेशनल रेट पे ले पैसा, लेकिन वो पैसा जरूर लेती है। इम्प्लॉइज अपनी सैलरी जरूर लेते हैं, भले ही कम लें या ज्यादा लें तो हमें उनको सैलरी पे ऑफ करनी पड़ती है, तो सैलरी आ जाती है इसकी एक्सपेंसेस। अब रेंट कहाँ से आया? रेंट आया भाई अगर मान लीजिए हमारी संस्था का ऑफिस जहाँ पर है वो हमारी अपनी जगह नहीं है, किराए की जगह है, तो हमें रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। पोस्टेज एक्सपेंसेस, पोस्टेज हो गया कि हमने कुछ किसी को, हमने कोई लेटर भेजा, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करी, तो उसके लिए कुछ हमने पोस्टेज एक्सपेंसेस जो हमें करने पड़ते हैं तो वो सारे इसमें आ गए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अब आपको लगेगा एडवर्टीजमेंट का काम तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सारा दिन टीवी पे देखते हैं सोप का ऐड आ रहा है, शैम्पू का ऐड आ रहा है, क्रीम का ऐड आ रहा है, बॉर्नविटा का ऐड आ रहा है, कितनी सारी चीज़ों के ऐड जो है आते रहते हैं, तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेच ही नहीं रही है तो इनके किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं? इनके भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग पैम्फलेट्स बांटते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस चल रहा है तो लोगों में जागरूकता का एक अभियान चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने ठाना है और उन्होंने लोगों को एक पैम्फलेट के माध्यम से कोरोना वायरस के अंदर क्या करना चाहिए और इस टाइम पीरियड में क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम डूज एंड डोंट्स कहते हैं, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, तो वो सब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में आते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अभी हमने पढ़ा था सेल ऑफ न्यूज़पेपर से हमारे को इनकम होती है तो भैया खरीदने से हमारा खर्चा भी होता है। रिपेयर्स है, मोवर मशीन है, खराब हो जाएगी तो जरूरी नहीं है कि हर बार बेच के नहीं लाऊंगा, उनकी रिपेयरिंग भी मैं करा सकता हूँ। और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी खराबी होने के बाद जरूरी नहीं है कि हर बार मैं नया ही रिप्लेस कर दूँ, उनकी मैं रिपेयर भी करा सकता हूँ। अब आती है इसमें ऑडिट फीस, ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। ऑडिट फीस, ऑडिट क्या होता है? इट इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट।
जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को सही प्रिंसिपल्स, सही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनाया है या नहीं बनाया, इसके लिए हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और उस ऑडिटर के माध्यम से हम पता लगा पाते हैं कि कहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती है, कहाँ पे किस प्रकार की एरर है या हमारे अकाउंट्स ठीक है। अब वो ऑडिटर इसके बदले में जो फीस चार्ज करता है उसको हम ऑडिटर फीस कहते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है, अपने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है और दूसरी चीज़ों को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं। इंश्योरेंस है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस तो हमें करा ही लेना चाहिए, जैसे हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरीके से कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस पे काम करती है। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो उन लोगों को की जाती है जो कि हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, फिर भी हमारी संस्था के लिए काम करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। फॉर एग्जांपल, हमारा एक वृद्ध आश्रम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वृद्ध लोगों की यानी कि ओल्ड एज होम है जो कि बुजुर्ग लोगों की सेवा के लिए काम करती है, जिसमें जिसके लिए हमारे को हर महीने एक टीम ऑफ डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है ताकि वो रेगुलरली उन लोगों का चेकअप कर सके। वो डॉक्टर्स हमारे एम्प्लॉयज नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे को कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको कुछ पेमेंट करना। तो ऑनरेरियम इज दैट पेमेंट विच इज पेड टू समवन एल्स विच इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी हो, उसका पानी का बिल है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसे म्यूनिसिपल के टैक्सेस हैं, वो सब तो पे करने ही पड़ते हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आते हैं और दूसरे टैक्सेस की तरह। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है टूर्नामेंट करा रही है, अब टूर्नामेंट कराने के लिए उसको क्या चाहिए? अपने जो टूर्नामेंट के विनर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको प्राइसेस भी बांटना है मोटिवेट करने के लिए। बहुत ज्यादा बड़ी रकम तो नहीं देते होंगे शायद, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कॉन्सोलेशन प्राइसेस कुछ ना कुछ विनर्स को, रनर अप्स को या पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेंसेस मानते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस तो यूजुअली हमारे ऑफिस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं, वो सब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसे ही होते हैं। एक्सपेंसिस ऑन शो, अब शो कहाँ से आया? बिल्कुल है, जब हमने पढ़ा था कि ये कॉन्सर्ट्स करते हैं, शो करते हैं ताकि वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो उसको संस्था की हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसी तरीके से उस कॉन्सर्ट को, उस शो को करने पे खर्चे भी होते हैं। तो वहाँ से होने वाली इनकम को अगर हम रिसिप्ट कहते हैं तो यहाँ होने वाले खर्चे को हम एक्सपेंसिस कहते हैं या पेमेंट्स कहते हैं। जिस तरीके से मिसलेनियस हमारे एक्सपेंडिचर्स थे उसी तरीके से मिसलेनियस सॉरी इनकम्स थी उसी तरीके से मिसलेनियस हमारी पेमेंट्स भी होती है। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, अब फिक्स असेट्स हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया फर्नीचर का, मैंने मशीन का एग्जांपल लिया था। ऑफिस रिसेप्शन के लिए हमने कुछ सोफाज लगा रखे हैं या हमने कुछ और दूसरा फर्नीचर खरीद रखा है, उस फर्नीचर को हम ऑब्वियसली खरीद के ही लाए होंगे, अगर वो डोनेट हुआ होता तो वो डोनेशन के पार्ट में जाता, लेकिन यहाँ हमने परचेज किया होगा तो वो परचेज ऑफ फिक्स्ड के नाम से आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, जिस तरीके से हम ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेच के पैसा रिसीप्ट करते हैं, ऐसे ही इक्विपमेंट्स को खरीद के हम पेमेंट्स भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स पे अगर हम इंटरेस्ट कमाते हैं तो इन्वेस्टमेंट पहले करनी भी पड़ती है, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमारा अगर रिसीप्ट था तो इन्वेस्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज ए पेमेंट, एक एक्सपेंडिचर है। बुक्स हैं, बुक्स हमें खरीदनी पड़ती हैं, जैसा सपोज हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक लाइब्रेरी है जहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो आगे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी विदाउट बुक्स नहीं हो सकती, उसके लिए हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर लोन्स हैं, उनकी रीपेमेंट हमने करनी होती है, अगर लोन लिया था तो पैसा आता है लेकिन लोन को चुकाना पड़ रहा है तो पैसा जा रहा है। बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग अगर खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर होने वाले खर्चे को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग्स के ऊपर होने वाले खर्चे। इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो टाइम टू टाइम हम पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी और रिसिप्ट पेमेंट्स हमारी हो सकती है जिसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। और फाइनली इसके एंड में क्या आता है,
इसके एंड में आता है आपका कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, जो कि शो करता है आपका जो कि शो कर रहा है ये कि आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ कह सकते हैं हम कि कितना कैश इन हैंड या कैश एट बैंक बैलेंस बचा है। अब आ जाती है यहाँ पर एक कैश बुक की एक कुछ ट्रांजेक्शन है कि यहाँ पर कौन कौन सी आइटम को हम कैश बुक से उठाकर रिसिप्ट एंड पेमेंट के कौन से साइड में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्लाइड के अंदर एक कैश इन हैंड कैश एट बैंक जैसे आइटम्स जो हैं वो डिपिक्ट हो रहे हैं, क्या स्लाइड सबको दिखाई दे रही है? यस सर। क्वेश्चन इज विजिबल एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके थैंक यू। आइए तो डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं एक आर फॉर रिसिप्ट ले रहा हूं, पी फॉर पेमेंट ले रहा हूं, तो जो ट्रांजेक्शन को मुझे रिसिप्ट में डालना है वो मैं आर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दूंगा और जिसको मेरे को पेमेंट में डालना है मैं उसको पी की तरफ रिफ्लेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कैश इन हैंड एज ऑन अप्रैल 1st 2014 20,000 रुपीज कैश इन हैंड दे रखा है। अच्छा 1st अप्रैल 2014 सब अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटिंग पीरियड को जानते हैं, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31st मार्च पे क्लोज होता है। तो 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा कहाँ पे जाएगा? रिसिप्ट साइड में। तो ये आ गया आपका रिसिप्ट साइड। सिमिलरली कैश एट बैंक अगेन ऑन द रिसिप्ट साइड। सब्सक्रिप्शन इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज ऑल्सो ऑन द रिसिप्ट साइड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब ली है या दी है ऑब्वियसली रिसीव हुई होगी, क्यों? क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डोनेशन पे चलते हैं, डोनेशन यूजली करते नहीं है, तो डोनेशन भी हमारा इनकम का पार्ट हो गया, ये रिसिप्ट का पार्ट हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसिप्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, इसलिए पेमेंट का पार्ट हो गया। लाइटिंग इज एन एक्सपेंस, ये पेमेंट का पार्ट हो गया। रेट एंड टैक्सेस, पेमेंट का पार्ट हो गया। टेलीफोन चार्जेस इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट। पोस्टेज एंड कुरियर्स, ये पेमेंट का पार्ट है। वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट का पार्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे पैसा रिसीव हो रहा है, हमने इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा तो उस पे होने वाला इंटरेस्ट हमारे लिए रिसिप्ट का पार्ट है। लॉकर का रेंट, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने मेंबर्स को लॉकर किराए पे देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये भी बहुत सारी पेमेंट्स एंड रिसिप्ट और भी हो सकती हैं, तो लॉकर रेंट आ गया कि लॉकर रेंट हमारे पेमेंट्स का रिसिप्ट का पार्ट है, हमें अपने मेंबर से पैसा प्राप्त होता है। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट एक इनकम है लेकिन वो तब है जब आप परचेज करोगे, तो परचेज इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक अगेन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट, बट क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? पेमेंट साइड में। किस जगह पर? बिल्कुल कॉर्नर पर। तो आपको मैंने कुछ एरोस के थ्रू ये बताया कि कौन सी चीज रिसिप्ट में जाएगी, कौन सी चीज पेमेंट में जाएगी। तो आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, जो हमने किया, जो हमने समझा, क्या वो सही है या नहीं। तो देखिए जैसा कि इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि इस स्लाइड में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड किया था, तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी यहाँ पर इनकम की फॉर्म में और हमारी पेमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड है। एक लुक आप इसका ले लीजिए। अभी मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट आपको उसका ले लेना चाहिए और इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे उसका फिर से स्क्रीनशॉट लेकर आप ये दोनों क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे और आप एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख पाएंगे। पहले मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूँ फॉर द स्क्रीनशॉट कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिए होंगे और एक आपने पता किया या इसमें आपने सीखा कि किस तरीके से हम रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना पा रहे हैं। एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर फ्रॉम एक और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कहा गया आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दे रखी हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बच्चे सेल्फ खुद अपने आप अटेम्प्ट करें आई थिंक तो उनके लिए बेटर रहेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको आप खुद अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी सॉल्यूशन आप देख लेते हैं इसका क्या है। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो शो कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेट्रो क्लब डेली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कि आपको एक क्लब है उसके लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए अगेन वही बात आती है कि दो पार्ट है आपका, एक रिसिप्ट पार्ट है और एक पेमेंट साइड है। तो हम कौन सी आइटम को रिसिप्ट में डालेंगे, कौन सी आइटम को हम पेमेंट में डालेंगे। तो जो रिसिप्ट होगा मैं उसको सर्कल कर दूंगा, पेमेंट को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रिसिप्ट कहाँ जाएगा और पेमेंट कहाँ जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट को मैं सर्कल करूंगा, पेमेंट को मैं नहीं कुछ टच करूंगा तो अपने आप ही वो पेमेंट साइड में चला जाएगा। पॉइंट नंबर वन इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ऑन April 1, 2019 was 8500। तो जैसा आपको पता ही है ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ जाता है, रिसिप्ट साइड में। तो मैंने इसको सर्कल कर दिया और ये रिसिप्ट साइड के अंदर शो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर, यानी कि आने वाले साल के लिए सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन और आपकी प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन, चाहे किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, ऑल आर द पार्ट ऑफ रिसिप्ट। तो इसलिए हम इसको रिसिप्ट साइड के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ पार्ट ऑफ इनकम, इसलिए ये भी रिसिप्ट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट होता तो इनकम है, इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करी होगी ऑब्वियसली, इसलिए वो इनकम का पार्ट नहीं है, वो पेमेंट का पार्ट है। मैं इसको टच नहीं कर रहा, तो ये कहाँ गया आपका पेमेंट साइड में। डोनेशंस, डोनेशन है आपकी 4000 रुपीज। अब ये डोनेशन हमने की नहीं है, हमें रिसीव हुई है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, तो इसको हमने रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। फिर आता है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड जो कि आपकी एक फंड की रिसिप्ट है, प्राप्ति है, इसलिए आप उसको रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे। फर्नीचर लिखा है 15,000, अगर सेल ना लिखा जाए तब तक आप फर्नीचर को सेल या रिसिप्ट नहीं मानोगे, आप इसको परचेज मानोगे और परचेज को मैं टिक नहीं कर रहा, इसलिए कहाँ जा रहा है पेमेंट साइड में। नेक्स्ट इज टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, नाम में ही लिखा है एक्सपेंस, तो इट इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस, ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये कैश बेसिस पर नहीं है। कैश बेसिस पे हमने हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका कैश में कोई पार्ट रिकॉर्ड नहीं होता या कैश बेसिस पे नहीं होता तो हम उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लेते, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द कैश बेसिस।
सैलरी आउटस्टैंडिंग अभी पे नहीं हुई है, इट्स नॉट ऑन द कैश, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही। जिन्हें हमने सर्कल किया वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी रिसिप्ट साइड में, जिन्हें हमने लीव कर दिया वो हमारी पेमेंट साइड में, जिन्हें मैंने लास्ट में क्रॉस कर दिया दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नीचे नोट लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड टू विच ट्रांजेक्शन बिलोंग। ये स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन के लिए पॉइंट यूज किया गया है कि चाहे प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, ये ईयर को नहीं रिकॉर्ड करता, ये बस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, वो भी कैश बेसिस पर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, डेप्रिसिएशन सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड इंटरेस्ट विल नॉट कम एज दीज आर नॉन कैश आइटम्स। ये नहीं आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि अभी ये कैश में नहीं की गई हैं, इसलिए इनका कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसी ही ट्रांजेक्शन है, ये सेल्फ इवेल्यूएशन है आप लोगों का, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए क्या आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। मैं इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बट बी ऑनेस्ट, पहले आप इसको सेल्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन पे आइए। ये भी क्वेश्चंस हैं कुछ राइट एंड रॉन्ग की फॉर्म में, फिलिप्स की फॉर्म में। एक असाइनमेंट के तौर पर आप इसको लीजिए, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को ये टॉपिक अभी तक क्लियर हुआ, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव क्लासेस में डिस्कस हो चुका है, उसके बाद कितने बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस को ज्यादा लेंगे, जिसमें आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट बनाना जो है वो सिखाया जाएगा, साथ साथ जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन या फंड बेस्ड अकाउंटिंग या कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स, ये सब भी हम साथ साथ कवर करेंगे। यानी कि नेक्स्ट क्लास विल बी द मोर इंटरेस्टिंग क्लास, क्योंकि अकाउंटिंग स्टूडेंट्स यूजुअली थ्योरी को बोरिंग मानते हैं। अरुण सर पहले ही कह चुके हैं क्या अकाउंटिंग बोरिंग है, डेफिनेटली नॉट, अकाउंटिंग इज नॉट बोरिंग, इट इज वेरी प्रैक्टिकल लाइफ सब्जेक्ट, और हम इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली पढ़ना ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमें स्टार्टिंग के सेशन थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं। आई होप हम ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम चैट बॉक्स में थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। मी एंड एज वेल एज माय टीम विल ट्राई टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, आपसे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस के लिए कहा गया है,
अगर आपको लगता है कि किसी बात को लेके कोई डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो हमारी पूरी टीम जो है वो चैट बॉक्स पर है, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चंस को वहां पर ले सकें। Rahul is asking, what is the cash basis? Cash basis of accounting, वो accounting है जिसमें हम transaction को only cash basis पे record करते हैं, यानी कि at the time of receipt and payment of cash को ही record करते हैं। It's a 11th class concept, cash basis and accrual basis. Sanshruti Jain asked a question about the locker rent. Locker rent का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। It's a kind of receipt, it's a kind of revenue nature income for the not for profit organization. कोई भी क्लब होता है वो क्लब अपने मेंबर्स को कुछ लॉकर्स प्रोवाइड करता है। जैसे बैंक में आप जाते हैं, बैंक में लॉकर होता है, लॉकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आप सभी बैंक होल्डर जो अकाउंट होल्डर हैं सबको बैंक लॉकर देता है। जो लोग ये स्पेशल सर्विस अवेल करना चाहते हैं, बैंक सिर्फ उन्हीं को लॉकर देता है ऑन द पेमेंट ऑफ सम सब्सक्रिप्शन। सिमिलरली कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉकर प्रोवाइड करती है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कुछ वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ द पीपल, सो जिसके अगेंस्ट वो कुछ रेंट चार्ज करती है, तो वो लॉकर रेंट उनकी इनकम का पार्ट होता है। सर अगर डोनेशंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो यूजुअली क्या होता है कि जब हमारे को क्वेश्चन में दे रखा होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें मेंशन होता है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की अगर रिसिप्ट साइड के अंदर डोनेशन लिखे तो ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ डोनेशन रिसीव, और इनकेस अगर हमारे को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दे रखा और हमें वही बनाना है तो जब तक मेंशन ना किया जाए कि डोनेशन हमने दी है तब तक हम उसको रिसिप्ट का ही पार्ट मानते हैं। यानी कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हम कन्वेंशंस के बेसिस पे चलते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा ही है, तो डोनेशंस इज अ पार्ट ऑफ इनकम। रिया सिंह आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ टूर्नामेंट फंड? टूर्नामेंट फंड क्या होता है? देखिए जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये सोसाइटी के रिक्रिएशन के लिए, उनके मनोरंजन के लिए भी काम करती है, तो ये लोग कभी कभी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ये लोग कुछ फंड रेज करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कुछ स्पॉन्सर से पैसा लेते हैं और उस टूर्नामेंट के होने वाले सारे एक्सपेंसेस उसी फंड में से ही वो डिडक्ट करते हैं। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो कि आने वाली क्लासेस में डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया जाएगा आपसे। अभी के लिए आप ये मान सकते हो टूर्नामेंट फंड इज अ रिसिप्ट। अनीता देवी आस्क द क्वेश्चन, एंड टू डिविडेंड एंड शेयर्स कैसे परचेज कर सकते हैं? देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए हम हमेशा ही डोनेशन या सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड रहें ये ज़रूरी नहीं है। हम अपने सरप्लस को कहीं ना कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं जहाँ पे हमारा पैसा सेफ भी रहे, हमें डिविडेंड्स भी मिल जाएं, हम कुछ जगह और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं,
हम बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं जिसपे हमें इंटरेस्ट श्योर मिलता रहता है। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसको इन्वेस्टमेंट्स पे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं। हर्ष कुमार आज ऑनरेरियम फीस क्या है या ऑनरेरियम क्या होता है? देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको हमें पेमेंट्स करनी पड़ती है फॉर देयर प्रोफेशनल सर्विसेज, फॉर देयर सर्विसेज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी पेमेंट्स को ऑनरेरियम कहते हैं। मैंने डॉक्टर का एग्जांपल लेके दिया था इसके अंदर, तो कि कोई भी डॉक्टर हमारे ओल्ड एज होम के अंदर हमारे मेंबर्स या जो हमारे यहाँ ओल्ड पीपल ठहरे हुए हैं उनके चेकअप के लिए आता है, तो वी मेक पेमेंट्स टू देम और उन पेमेंट्स को हम ऑनरेरियम कहते हैं। कीर्ति आज सैलरी ऑफ मेंबर्स, मेंबर को सैलरी नहीं दी जाती, मेंबर से सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। सैलरी टू मेंबर्स नहीं है, मेंबर से सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, मेंबर्स पेमेंट करते हैं, सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम के अंदर हमने कुछ वृद्धों को रखा हुआ है। अब वो लोग सेल्फ कैपेसिटेटेड नहीं है कोई भी वर्कआउट काम करने के लिए, तो हमने उनकी सेवा के लिए कुछ तो कर्मचारी रख रखे होंगे, तो उन सब एम्प्लॉयज को तो हमें सैलरी पे ऑफ करनी ही पड़ेगी। तो सैलरी ऑफ मेंबर नहीं है, मेंबर्स के से हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं, सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। डिविडेंड पूछा है अजय गुप्ता ने, डिविडेंड इज अ इनकम रिसीव्ड ऑन शेयर्स, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से डिविडेंड हमें इनकम के रूप में प्राप्त होती है। यश कुमार आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाट इज नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम? रिफ्रेशमेंट रूम का मतलब यहाँ पर सपोज हम कैंटीन से ले लें, कैंटीन के दो एक्सेस होते हैं, वन फॉर मेंबर एंड अदर फॉर आउटसाइडर्स। तो कोई भी कैंटीन अगर मेंबर्स के लिए है तो वो थोड़ा कंसेशनल होती है, ठीक है, और जो आउटसाइडर्स होते हैं तो उनके लिए नॉन कंसेशनल हो सकती है, और नॉन कंसेशनल होने के बाद वो लोग अगर सपोज वहाँ से कुछ परचेजिंग करते हैं तो उन्हें पेमेंट्स करनी पड़ती है, बिल पेमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ से होने वाली इनकम हमारे लिए रिसिप्ट का पार्ट है। रुचि कुमारी आज सब्सक्रिप्शन बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त होने वाली एक मेजर इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम लोग जिन व्यक्तियों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मेंबर सब्सक्राइब करा रहे हैं, वो मेंबर्स एंट्री के लिए और मेंबर बने रहने के लिए हमें कुछ पेमेंट्स करते हैं। लाइक हम कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम के अंदर ज्वाइन रहने के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं ऑन द ड्यू डेट्स। गुलजीत सिंह